गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टी एक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सुमन कुमार का। ये कहते हैं, सर ये बताएं कि ऑनलाइन आईडी मेरा अपने मोबाइल से बना है, लेकिन इसमें मोबाइल नंबर गलत है, जिसकी वजह से मार्च अप्रैल में जो ऑफ़र मिला था वो बिना पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं मिल पा रहा है, कृपया बताएं क्या करें। जी, सबसे पहले ये मैं बताता हूँ, ऑनलाइन आईडी लगाने के बाद आपको एक काम और करना पड़ता है, वो क्या, फार्म भर के आपको रजिस्टर्ड करना होता है दिल्ली हेड ऑफिस, उसके बाद वो चेक करके ओके करते हैं, तब जाके आपको बोनस मिलता है, चाहे कहीं भी आप लगाओ, ये आपको बाद में ऑफिस में ब्रांच में जमा करना होता है। नंबर एक में तो ये है। नंबर दो, अगर मोबाइल नंबर गलत है तो मोबाइल नंबर सही हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। करना क्या है, आपको डी एक्शन हेड ऑफिस, दिल्ली हेड ऑफिस आपको संपर्क करना है। आप पहले उनसे बात कीजिए, बात करने के बाद उसे पूछिए, वो बताएंगे, ईमेल पे वो फार्म भेजेंगे, फार्म भेजने के बाद उसको भर उर के या किसी भी स्टॉक पॉइंट से वो फार्म आप ले सकते हैं, उसको फार्म भर के फ़ोटो खींच के आप ईमेल कर दीजिए, ओके। और उसमें जो नंबर गलत डाला है वो लिख दीजिए कि ये नंबर सही करने के लिए ये नंबर डालना है, अपना जो आधार कार्ड वगैरह जो भी डाला है आईडी लगाने के टाइम, वो प्रूफ भेज दीजिए। 2-3 दिन के अंदर आपका नंबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप वो पासवर्ड रीसेट करवा लीजिए, मतलब जब आप डी एक्शन पिन के लिए जो मैंने वीडियो बना रखा है ना, उसको आप क्या करेंगे, पिन मंगाने के लिए मैसेज करेंगे SMS, तो आपके पास पिन आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, फिर आपका ऑफ़र भी मिलने लग जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। तो बताने का हमारा दो मकसद है, पहला तो ये है कि ऑनलाइन आईडी लगाने के बाद फार्म भर के आपको ऑफिस में जमा करना है, पहला काम ये, या किसी भी स्टॉक पॉइंट को जमा कर देना, वो आगे भेज देगा अगर वो राज़ी होता है तो, क्योंकि स्टॉक पॉइंट वाले ज़्यादातर काम चोर होते हैं, भलाई वाला नहीं होते, क्योंकि आप ऑनलाइन आईडी लगा के फार्म भर के स्टॉक पॉइंट में दे दें कि सर जी ये आप आगे भेज दीजिएगा ऑफिस, जैसे आपका ऑफिस से आपके स्टॉक पॉइंट से जो आईडी लगने के बाद जो फार्म जमा करते हैं भेजते हैं ना आप, तो कहते हैं हाँ उन्हीं के साथ इनको भेज दीजिएगा, वो नहीं भेजेंगे, क्यों, आप उसके स्टॉक पॉइंट पे आईडी नहीं लगाया, उसके स्टॉक पॉइंट से आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, इसलिए वो नहीं करेगा। अगर जो भला इंसान होगा वो आपका सहयोग कर देगा, अगर भला इंसान नहीं होगा वो, तो आपका मना कर देगा। आप इसे जाँच कर सकते हैं स्टॉक पॉइंट वाले को, या फिर सीधे रजिस्टर कर दीजिए आप डी एक्शन दिल्ली हेड ऑफिस, ओके, वहाँ का एड्रेस मिल जाएगा आपको। और आगे ये कहते हैं, मैं 2 महीने से परेशान हूँ, आपने जो ईमेल आईडी दिए हैं उस पर मैंने अपना समस्या भेजा, लेकिन फॉर्म मुझे नहीं मिला। भाई, ईमेल करने एक बार से नहीं होता, आप 2-3-4 बार करो और फ़ोन भी करो, और साथ साथ में एक हमारा विजय जी हैं आईटी सेल को संभालते हैं, अगर ईमेल का जवाब नहीं देता उनको फ़ोन कर सकते हैं, विजय जी को, डी एक्शन वर्ल्ड एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें है विजय जी, और ऐसे भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे विजय जी का कॉन्टैक्ट नंबर, उसको आप कहिए कि हमने ईमेल किया है और अभी तक जवाब नहीं मिला है। मैंने भी किया था, मैंने विजय जी को शिकायत किया कि मैंने ईमेल करता है, ईमेल का जवाब नहीं देते, क्या बात है, आजकल ऑफिस बंद है क्या, दिल्ली हेड ऑफिस करा नहीं। फिर उसको उसने आगे कविता मैडम को कहा कि सज्जाद अंसारी ईमेल का जवाब दो जल्दी आज के दिन, तो मेरे पास 10 फ़ोन आ गया, फ़ोन नाम तो लिखा नहीं था और मैंने उठाया नहीं, तो बाद में जब मैंने एक बार उठाया तो पता चला कि कविता मैडम की कह रहे हैं कि आपने जो ईमेल किया वो दोबारा रिसेट कर दो, मैं भी देखती हूँ। तो मुझे पता चल गया कि मैंने रात 11 बजे विजय जी को व्हाट्सअप किया था और उनकी डांट पड़ी, इसी की वजह से ये फटाफट इतने फ़ोन कर रही हैं, वो भी संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, होमवर्क कर रही हैं आजकल। तो अगर किसी भी ईमेल का जवाब नहीं आता तो ऐसे भी शिकायत कर सकते हैं, एक बार नहीं 2-4-10 बार ईमेल करो, रोज़ करो ईमेल, किसी न किसी जवाब तो देंगे, और ईमेल इनके एक नहीं है, बहुत सारे हैं, 4-5 ईमेल है, तो एक पे नहीं है तो दूसरे पे, दूसरे नहीं तीसरे पे ईमेल प्राप्त कर सकते हैं आप। तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र के साथ मेहनत करते रहिए। आगे है हमारे राहुल कुमार जी, इनका तो बड़ा अलग सा सवाल है। सर, मेरा LING वगैरह वगैरह थोड़ा परेशान है, तो इसके लिए मैंने बता रखा हूँ वही प्रोडक्ट हमारे पास मिलते हैं, यहाँ से मंगा लो, ठीक है। एक है डॉक्टर सुल्तान मकनौजिया, वेरी एक्सलेंट इन्फॉर्मेशन सर जी, मैं डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, है ना, और आपकी राय ठीक है, स्पाइरुलिना खाने से कब्ज होता है, स्टूल हार्ड सूखा होता है, तो उसे कैसे खाना चाहिए, इसने नंबर भी दे रखा है, मैंने इसको रिप्लाई कर दिया है। भाई, अगर किसी को कब्ज हो रहा हो तो स्पाइरुलिना हल्का गुनगुना गर्म पानी में भी आप खा सकते हो, ओके, और उसके बाद आधे एक घंटे के बाद आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं या नोनी जूस पहले इस्तेमाल कर लो सुबह शाम खाली पेट, ये कब्ज़ का प्रॉब्लम समस्या दूर हो जाएंगे। और मेरे पास एक चूरन भी है, गैनो चूरन, आप चाहें तो गैनो चूरन मंगा लो, सुबह शाम एक एक चम्मच खाओ ऋषि गैनो टी या ग्रीन टी के साथ या गुनगुने गर्म पानी के साथ, देखिए आपके कब्ज़ का जैसे टाइम कितना जल्दी आराम मिलता है, और डी एक्शन के प्रोडक्ट का बनाया हुआ हमारा गैनो चूरन है, और ये कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे पास ही मिलता है, ओके, इसका नुस्खा
जो इसके अंदर डाला जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो मेरे पास सिर्फ दिल में मेरे अंदर है, मैंने अब किसी को नुस्खा नहीं बताया, आप मंगवा सकते हैं। और हम एक हमारे हैं सिद्धार्थ कुमार जी, बवासीर है मत्स्य वाला, क्या लें डिएक्शन का भाई, बवासीर है मत्स्य वाला है, चाहे बादी है, खूनी है, कैसे भी हो, हर एक मैं आपको होम्योपैथिक का दवाई लेने के लिए कहूँगा। साथ में हमारा 2 in 1 कॉफ़ी, स्पायरुलिना, नोनी जूस, ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है ज़्यादा से ज़्यादा और लंबे टाइम तक, तब जाके आप सही हो जाए हो सकते हैं। थोड़ा सा खून ब्लड भी निकलेगा, मैं टेंशन नहीं लेना, स्पायरुलिना वो पूरी कर देंगे, और होम्योपैथिक जरूर दवाई लेना। नैना खान ये कहते हैं थैंक एंड गुड मॉर्निंग डिएक्शन, आपको भी गुड मॉर्निंग। एक सुबह सुबह हमारे पास एक प्रश्न आया है जुबेदा खातून, सबसे पहले कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हजरत, शुगर का भी कोई इलाज है डिएक्शन में? और आगे फिर एक कमेंट करती हैं शुगर और थायराइड डिएक्शन में दवा है तो प्लीज़ बताइए। सबसे पहले नंबर में बताना चाहता हूँ शुगर बीमारी, डायबिटीज़ बीमारी का जो अंग्रेज़ी दवाई लेते हैं ना, वो क्या करता है, हमारे हार्ट को स्लो कर देता है। स्लो मतलब दवाइयाँ हार्ट को ज़्यादा चलने नहीं देता, मतलब स्पीड कम कर देता है, जिसकी वजह से खून के अंदर प्रेशर कम होता है। और जो इंग्लिश दवाई लेते हैं और जो उसकी जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट कैसे होता है, उसकी जो भी चीज़ें होती है, चाहे आँखों में साइड इफ़ेक्ट हो, चाहे हड्डी में हो, चाहे दांत में हो, कहीं कई जगह वो जो बाहर निकलना चाहिए जहर, वो बाहर ना निकल के पूरी बॉडी के जहर को कहीं एक दो जगह शिफ्ट कर देता है, इसलिए उनका साइड इफ़ेक्ट होता है। मिसाल तौर पर किसी का आँखें चली जाती है रोशनी, किसी के दांत झड़ने लग जाते हैं, किसी के घुटने जाम होने लग जाते हैं, तो वो जो दवाई जो लेते हैं शुगर की, डायबिटीज़ की, वो एक तो हार्ट को, दूसरा हमारे बॉडी को कई तरह का नुकसान पहुँचाती है। तो इन सब में आपको करना क्या है, चाहे कोई भी समस्या प्रॉब्लम हो, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ या इंग्लिश दवाई ले रहे हैं उसके साथ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऋषिगणो टी और नोनी जी जूस और मशरूम यानी आरजीजीएल आपको लेना है और लंबे टाइम तक लेना है। ये क्या करेगा, हमारे बॉडी की पूरी बॉडी को धीरे धीरे नॉर्मल करता चला जाएगा और नेचुरल तरीके पे ले आएगा। उसके बाद जो सिस्टम है हमारे बॉडी का, जो कुदरत का, ईश्वर का बनाया हुआ है, वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देगा और नेचुरल तरीके से इंसुलिन बनाना शुरू करेगा, पेनक्रियाज काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद आपकी बॉडी धीरे धीरे तंदुरुस्त हो जाएंगे, फिर आपको बाहर से कोई आर्टिफिशियल इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही डॉक्टर मना कर देंगे, अब आप ठीक है। मगर शर्त है आपको लंबे टाइम तक ये सब प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, दवा समझ के नहीं, खाना समझ के। अगर आपने दवा समझ के यूज़ किया तो 1-2 महीने में ही आप छोड़ देंगे, क्योंकि 1-2 महीने में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिएक्शन के प्रोडक्ट। जब इस्तेमाल करने लग जाएंगे आप, तो धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा एलमर रिफ्लेक्शन आएगा। एलमर रिफ्लेक्शन मतलब जो बॉडी के अंदर पहले से जहर है, जब हमारा मशरूम पहुंचता है बॉडी के अंदर, तो वो पहले ढूंढ कर पकड़ता है, उसी को हम बोलते हैं सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, हमारा डिएक्शन का आरजीजीएल करता है, फिर उसको निकालना शुरू करता है, मतलब ऑपरेशन करना शुरू कर देता है, चाहे वो नाक के जरिए छींक आए बार बार, पसीने आए, बलगम आए, खांसी आए, फोड़े फुंसी निकलें, है ना, दस्त हो, पेशाब के रास्ते, ये बहुत सारे रास्ते हैं, पसीने के रास्ते, ये निकालना शुरू करता है। जब अच्छी तरीके से वो सारा निकल जाता है, तब जाकर आप तंदुरुस्त हो जाते हैं। और दोबारा ना हो तो उसके लिए ये थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहो लाइफ टाइम डिएक्शन प्रोडक्ट, क्योंकि आज का टॉक्सिन वाली खाना, पानी, हवा, आपको फ्री टॉक्सिन वाली तो मिलेगी नहीं, तो फिर बीमार हो सकते हो। इसलिए स्वस्थ रहना है तो लाइफ टाइम डिएक्शन के साथ रहो, और वेल्थ चाहिए तो डिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताओ, भलाई की नीयत से बताओ, है ना, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। दूसरों के फ़ायदे के लिए बताओगे तो आपके अंदर एक हमदर्दीपन वाली बातें आएंगी, और अगला बंदा समझेगा यार ये बहुत अच्छा आदमी है, हमारे भलाई सोचता है, तो वो बंदा फिर लेगा, खाएगा, उसको फ़ायदा होगा, फिर दुआ देगा, फिर वो भी ऐसे ही आपका नकल करके लोगों को बताएगा। यही तो है नेटवर्किंग, नेटवर्क नहीं, एक जाल बनता चला जाएगा, और इससे आपको हेल्थ भी और वेल्थ भी और दुआएं भी मिलता रहेगा। उसके बाद आपको मिलेगा खुशियाँ, ऐसी खुशियाँ मिलेगी जो आप 1 लाख रुपये महीने इनकम नौकरी करके भी आपको नहीं मिलेगा, जो इसमें मिलता है। तो डिएक्शन के प्रोडक्ट हेल्दी तो होने के साथ साथ में पैसे देने वाली भी है, तो आप क्या हेल्थ बनाना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क करें, अगर आप वेल्थ भी चाहते हैं तो मेरे से संपर्क करें। और कोई भी बात अगर आपको पूछनी हो तो इसी तरीके से कमेंट कीजिए आप, जैसे और उन्होंने किया है, या नहीं मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9871129156 पे आप संपर्क करें। अगर आपको मेरे से डायरेक्ट बात करनी है तो इसके लिए हमने 21 रुपये का चार्ज रखा है, फीस के तौर पर रखा है, जो कुछ भी आप समझ लीजिए। पहले आपको टाइम लेना पड़ेगा, सुबह से लेकर 1 बजे तक मैं कॉलिंग करता हूँ, बात करता हूँ लोगों से, 1 बजे के बाद हमारा ड्यूटी चालू हो जाता है, उस बीच में भी हम बात कर सकते हैं अगर मैंने आपको टाइम दिया है तो, ठीक है। तो बात करने के लिए 21 रुपये चार्ज, और कमेंट करके पूछने के लिए ये फ्री है, व्हाट्सएप पे पूछने के लिए फ्री है,
तो आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। मेरा नाम सज्जाद अंसारी है और मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए सेवा खिदमत करता रहता हूँ।